कुछ नहीं। तो बेसिकली ये इनिशिएटिव इसीलिए लिया गया है कि इस गाने के थ्रू आप अवेयरनेस बढ़ाएं, लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि ये नंबर्स पहुंचाएं, ये स्टैटिस्टिक्स पहुंचाएं कि इतनी चीज़ें हो रही हैं सोसाइटी में और ये इतना बड़ा नंबर है सोसाइटी में इंडिया में जिसे हमें सुधारना चाहिए, सबको मिलकर सुधारना चाहिए। सो एज़ एक्टर्स और आप लोग सब मीडिया, हम सबको मिलकर इसको जितना हम इसके बारे में अवेयरनेस फैला सकें उतना अच्छा है, ताकि चीज़ें आगे बढ़ें, फ्यूचर सबका इन टर्म्स सोसाइटी सब ठीक हो आगे जाके। और एट द सेम टाइम ये चीज़ें जो हैं, जितने भी नंबर्स हैं, ये तभी जाके बेटर होंगे, ये तभी जाके सुधरेंगे जब हम सब कलेक्टिवली काम करेंगे साथ। ये जो आपने वर्ड यूज़ किया कुत्ते जी, आपको लगता नहीं कि कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है? यार ये पोएम है, जैसे मैंने बोला उसका अडेप्टेशन 1943 में लिखी गई थी ये पोएम, तो ये उसका अडेप्टेशन है। हम किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं कर रहे, हम किसी भी गलत तरीके से यूज़ नहीं कर रहे, हम एज होल एज सोसाइटी हम लोग भी कई बार स्ट्रीट किड्स को हम उन्हें ट्रीट बहुत गलत तरीके से कर रहे होते हैं। आपके पास कोई गाड़ी के पास आता है उसका चिचित भाग ऐसे बात करते हैं या भगाते हैं, शुरू में जब वो छोटा होता है तब कुछ नहीं कर पाता, मगर धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो वही आदमी छीनता है, वही लड़का बड़ा होकर छीनता है, तो यह गलत काम में भी पड़ता है, फिर हम ब्लेम करते हैं यार ये तो सोसाइटी के मैंने से इनका क्या कर सकते हैं। बट देखिए तीन चीज़ें ये उठाने का ही अवेयरनेस का तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, फूड एजुकेशन एंड शेल्टर, ये तीन बेसिक चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि हम अवेयरनेस फैला सकें कि लोग किसी तरीके से भी हेल्प करें, मगर हेल्प करें, मतलब कि अगर आपको किसी एनजीओ के साथ, मैं किसी एनजीओ के साथ नहीं जुड़ा, ये एक सिर्फ एक हमने वीडियो किया अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि हम लोग आवाज़ पहुंचा सकें कि इतने लोगों के साथ या इतने नंबर्स हैं जो अभी तक सड़क पे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे।